गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दसवीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा ये जो व्याकरण में दूसरा लेसन चल रहा है प्रत्यय, जिसमें हमने कृत प्रत्यय देखे, तद्वित प्रत्यय में भी करीबन यहाँ पे शुरुआत हमने कर दी थी। दो उदाहरण जिसमें हमने देखे थे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शब्द देखे थे रसोईया, पथरीला, ठीक है। तो इसमें रसोई प्लस ईया दोनों को मिलाने से यहाँ पे रसोईया और पत्थर प्लस इला पथरीला शब्द बने, करीबन ये हमने देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले तद्वित प्रत्यय किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। उसकी परिभाषा में दिया गया है कि ये प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं, तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं। जबकि कृत प्रत्यय में क्या था, तो कृत प्रत्यय में संज्ञा विशेषण बनते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे किस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय में हमें क्या याद रखना है, मूल शब्द और मूल शब्द के पीछे जो स्वर, ठीक है। और स्वर जो होते हैं हमें पता है, सिर्फ सुनाई देते हैं शब्द का उच्चारण। जब वो लिखा हुआ शब्द होता है उसमें हमें स्वर अ, आ, ई, ई, उ, ओ, ये क्या होता है, ये स्वर सिर्फ सुनाई देते हैं हमें। शब्द जो लिखे हुए होते हैं उसमें हमें वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। जब उच्चारण करते हैं तो हमें ये सुनाई देते हैं। तो ये प्रत्यय में भी हमें ज़्यादातर ये स्वरों के ऊपर ही ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तद्वित प्रत्यय किसे कहते हैं, जैसे कि प्रत्येक, जो प्रत्यय अर्थात ऐसे प्रत्यय के जो संज्ञा के पीछे, सर्वनाम के पीछे, विशेषण के पीछे और अव्यय के पीछे लगते हो, उसको क्या कहते हैं, तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय अर्थात मैंने आपको एकदम सरल भाषा में बताया था कि उपसर्ग प्रत्यय को याद रखना है, उप यानी आगे, प्रत्यय यानी पीछे, देखो, ठीक है। शब्द, मूल शब्द जो होता है मूल शब्द के पीछे। तो यहाँ पे तद्वित प्रत्यय मतलब संज्ञा के पीछे, मतलब किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, सर्वनाम तो जो सबके नाम का दर्शाता हो, विशेषण, विशेषण जो विशेषता दर्शाता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के पीछे जो शब्दांश जुड़ते हैं, जो प्रत्यय जुड़ते हैं, उसको तद्वित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल जैसे हमने आगे देखा ना, बिल्कुल उसी के प्रकार हैं। जो कृत प्रत्यय देखा, कृत प्रत्यय में हमने जिस प्रकार मूल शब्द के पीछे जो प्रत्यय लगता है, वो यहाँ पे भी देखो, मूल शब्द मामा, ठीक है, उसके पीछे येरा, येरा तो ममेरा, क्या बना शब्द, ममेरा, ठीक है। पहले हमें क्या करना है पता है बच्चों, इसमें से जो मूल शब्द है, जैसे कि यहाँ पे ममेरा शब्द आपको परीक्षा में पूछा गया, उसमें से आपको पहले मूल शब्द ढूंढ लेना है। आप बोलोगे कि इसमें तो आप अ, आ, ई, उ, ई, उ, उ, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ममेरा, ठीक है, तो रा बोलते हैं तो पीछे आ सुनाई देता है, तो यहाँ पे म मेर ये नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई अर्थ नहीं होता है, समझ में आया। इसमें से मूल शब्द आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ममेरा मतलब मामा के द्वारा, जो जिसके घर से, मामा के घर से आया हुआ जो होता है प्रसंग में, तो उसको ममेरा कहा जाता है, ठीक है। तो मामा शब्द मूल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाचा, उसके पीछे कौन सा प्रत्यय लगता है, येरा, तो मतलब चचेरा। उसके बाद यहाँ पे ऊंचा, ऊंचा के पीछे आई, मूल शब्द के पीछे आई, ये क्या विशेषता दर्शाता है, विशेषण, ठीक है ना, तो ऊंचाई। गिस मूल शब्द है, उसके पीछे आई प्रत्यय जोड़ने से गिसाई। रोज, रोज मूल शब्द है, उसके पीछे आना, रोज आना। मेहनत, मेहनत के पीछे आना शब्द प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा, मेहनत ताना। सोना मूल शब्द है, उसके पीछे आर, सुनार। लोहार, लोहा, उसके पीछे आर जोड़ने से लुहार। अब समझ में आया कैसे, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, समझ में आ रहा है। उसके बाद मीठा मूल शब्द है, उसके पीछे आस जोड़ने से मी था स। खट्टा,
उसके पीछे मूल शब्द है ये खट्टा, उसके पीछे आस जोड़ने से खटास। अब समझ में आया बच्चों, तो किस प्रकार से यहाँ पे प्रत्यय बनते हैं। तो प्रत्यय को बहुत ही सरल है, सीधी सरल बात मैं आपको बताऊँ, परीक्षा में मैंने जब से बच्चों, बारहवीं वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब से हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं तब से ही मैंने कहा है आपको कि प्रत्यय को ध्यान में रखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि मूल शब्द ढूंढ लेना है और इसके पीछे जो अब मूल शब्द उसमें से निष्कर्ष में से जो शब्द पूछा गया उसमें से निष्कर्ष के रूप में जो मूल शब्द निकालोगे उसके बाद प्रत्यय आपके लिए सरल ही है। प्रत्यय ने पीछे के हिस्से में से मैं निकाला, पहले वो मूल शब्द हमें ढूंढना है, ठीक है। तो मूल शब्द यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि मूल शब्द ही यहाँ पे प्रत्यय को ज़्यादा उजागर करते हैं, मतलब प्रत्यय ढूंढने में हमें मूल शब्द ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक बार ये समझ में आ गया तो परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लिखने वाला जो है आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूं, ये आपको लिखना पड़ेगा रसोईया, उसमें रसोई प्लस इया और पथरीला शब्द लिखो, उसके बाद पत्थर प्लस इला। नीचे की लाइन से लिखो जो संज्ञा शब्द के अंत में इया और इला शब्दांश जोड़ने से बनते हैं। फिर उसके बाद तद्वित प्रत्यय की परिभाषा लिखो, बारहवीं वाले बच्चों आपको कॉपी में लिखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, मतलब समझने के लिए। तद्वित प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय को तद्वित प्रत्यय कहते हैं। कई बार मैं कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ, बोर्ड की परीक्षा में आपको सिर्फ प्रत्यय पूछे जाते हैं तो आपको मूल शब्द कौन सा है वो लिखना है और प्लस करके जो प्रत्यय है वो बाजू में लिखना है, प्रत्यय का प्रकार नहीं लिखना है। समझ में आया? ये तो सिर्फ हमारी बेसिक जानकारी के लिए है। तो बच्चों यहाँ पे तद्वित प्रत्यय हेडिंग लगाना, फिर मूल शब्द लिखना, शब्द रचना। तो इस तरह से ये जो वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, बाकी के जो उसके जो शब्दांश है अर्थात जो प्रत्यय है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसके देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू।